नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। और ये खास वीडियो बन रहा है, हालांकि वीडियो तो हमारे एक खास सब्सक्राइबर हैं हेमंत जी उज्जैन से, जो व्हाट्सएप से सीखना चाह रहे थे और अपना उन्होंने वीडियो क्लिप भेजा था। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन मुझे लगा कि वो जो चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ उनको, उस चीज़ से बाकी लोग भी लाभान्वित हों, और हेमंत जी के लिए तो है ही। आप सभी लोग देखेंगे कि शुरुआत के दिनों में अगर हाथ तबला पे सही नहीं है, अगर सही स्ट्रक्चर से आप नहीं बजा पा रहे हैं, तो फिर आगे आने वाले दिनों में आप बेहतर तबला वादक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ फिर सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसे चीज़ें, तो मैं चाहता हूँ कि हाथ का सही जो एक चलन होना चाहिए, सही जो स्टार्टिंग होना चाहिए, वो आप सभी लोग ध्यान देके इस वीडियो को देखें, पूरा देखें। और सबसे पहले तो मैं वो क्लिप दिखाना चाहूँगा जिस क्लिप के बाद ये वीडियो मैं बनाने के बारे में सोचा आप लोग के लिए। वो शुरुआत का कायदा बजा रहे हैं मेरे ही चैनल से, धाधा तेटे धाधा तिन्ना। हालांकि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि जो भी लेशन आप लोग देखते हैं तो उसमें हर एक चीज़ पर गौर करके देखें। वो जो चीज़ बजा रहे हैं मेरे ही कायदा को, मेरे बताए हुए को, तो मैंने उस हिसाब से नहीं बताया है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग उन्होंने कर दिया है, जिस कारण से आने वाले दिनों में उनको परेशानी होगी। तो पहले उनका ये क्लिप देख लीजिए और उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसमें क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए। तो पहले वो क्लिप देख लीजिए आप लोग। आप लोगों ने देखा ये हेमंत जी शुरुआत किए हैं तबला वादन, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। हेमंत जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि तबला का ये पोर्शन, ये स्याही है, ये मैदान है और ये टाँकी है, सभी लोग जानते होंगे। हाथ रखने का तरीका ये है कि आपका ये साइड फिंगर जो है स्याही में सट के रहना चाहिए, और थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआत में पूरा इस उंगली को सीधा रख के ना बजाएं, क्योंकि आपका क्या होगा कि वेट कम आएगा फिर हाथ में। बाद में धीरे धीरे आप जब बढ़िया प्रैक्टिस कर लेंगे तो सीधा रखें, ढोलक प्ले करें, हाथ सीधा रखें, वो सब चलता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में सबसे पहला तो ये करें कि हल्का सा इसको, ये कर्व हल्का सा रखें, जाए दे पहले सीधा की अपेक्षा थोड़ा कर्व रखें, ताकि आपको ये फोर्स मिल सके हाथ में, पूरा ताकत जब भी जरूरत पड़े ताकत से बजा सके, मतलब उंगली में फिंगर में बल आ सके, ये ध्यान रखें। ये थोड़ा सा ये पहला पॉइंट ये रखें। दूसरा ये है कि धाधा तेटे धाधा तिन्ना का बोल मैंने जो बताया है, उस आप क्या कर रहे हैं कि दो उंगली से तेटे बजा रहे हैं। दो उंगली से तेटे बजाने का भी अलग कायदा है, दो उंगली भी तैयार होना चाहिए, लेकिन आपको जो मैंने कायदा दिया है शुरुआत में, वो दो उंगली से तेटे बजाने का नहीं है। आप तेटे बजाने का सही तरीका देख लें, ये जो स्याही है इसका बीच का जो भाग है एकदम मिडल में, कोशिश करें कि बीच के ये ते जो है ये स्याही के आधा भाग तक आना चाहिए, तीनों फिंगर आपका एक दूसरे से चिपका होना चाहिए, और तीनों उंगली से ते मारना है, आप ऐसे नहीं बजाना है, उठा के मारना है हाथ शुरुआत के दिनों में, ताकि आप जब आने वाले दिनों में परन टुकड़ा ये सब बजाएं, जब धेट धेट तो वो सब चीज़ का यूज हो सके आपका। तो तेटे, और कोशिश करें ना हाथ उंगली जब तेटे बजे तो आगे जाए दे ना पीछे जाए दे, कोशिश करें मिडल में आए, ये जो उंगली का ये जो पोर्शन है ये सेंटर में यहाँ आना चाहिए। ते जब मारते हैं तो बीच वाली उंगली का सेंटर पॉइंट यहाँ आना चाहिए और ये यहाँ आना चाहिए, ये एक तेटे की बात हो गई। दोनों फिंगर से डग्गा में मारना है, वन टू के हिसाब से, ताकि आपका ये दोनों फिंगर तैयार हो सके। जैसे और बोल जो आप बजा रहे हैं, आप एक ही लय में धाधा तेटे, एक तो ये सब चीज़ ठीक करना है, दूसरा आप एक ही लय में धाधा तेटे बजाए, बाद में चौगुन करने के जगह पे आप कहरवा का शायद कुछ चीज़ बजा दिए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आप तबला रियाज करने बैठे हैं तो कायदा बजा रहे हैं तो अच्छा से कायदा पहले बजा लें। गीत पे बजाना बिल्कुल ईजी है, अगर आप कायदा रियाज अच्छा से करते हैं तो गीत पे आप बहुत ही ईजी प्रोसेस है वो सब, उसमें ज़्यादा आप टेंशन ना लें, वो धीरे धीरे एकदम हो जाएगा, लेकिन कायदा अच्छा से रियाज करें। कायदा रियाज करने का तरीका क्या है? कायदा है धाधा तेटे धाधा तिन्ना ताता तेटे धाधा तिन्ना। कैसे बजाना चाहिए इसको? तीन बीट मिनिमम, वैसे चार बीट होता है, अस्थाई होता है, दोगुन होता है, तिगुन होता है, फिर चौगुन होता है। शुरुआत के दिनों में तिगुन बजाना कठिन काम है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आप अस्थाई, दोगुन और चौगुन लय में बजाएं।
लय को समझ के बजाएं अस्थाई। अब इसी कायदा को मैं कंटिन्यू बजाएं, अस्थाई हो गया एक बार बज गया, दोगुण में पूरे बोल को दो बार बजाएं, चौगुण में पूरे बोल को चार बार बजाएं और बिना रुके बजाएं, और चौगुण के बाद प्रस्तार की बारी आती है, जो प्रस्तार मेरा दिया हुआ भी है, अगर आपसे हो जाए चौगुण तक एकदम सही सही तो आप फिर प्रस्तार के लिए भी हमसे आप कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको बताऊँगा बेहतर प्रस्तार सब। फिलहाल इस कायदा को बजाना किस हिसाब से है, अस्थाई दोगुण चौगुण ये देख लें। सबसे पहले तो एक कोई रिदम ले लें, टेम्पो ले लें, जैसे ये एक रिदम ले लिया 1 2 3, मन में सोच लें कि इस रिदम के अंदर इस टेम्पो के अंदर हमको बजाना है धा धा ए ए धा धा तीन ना है। आप कहीं भी एग्जाम में बजाएंगे, मंच पे बजाएंगे, लहरा के साथ सेट होगा, गिनती है, काउंटिंग है, तबला इज टोटली मैथमेटिक्स। अस्थाई में एक बार, दोगुण में दो बार, चौगुण में चार बार कंटिन्यू बजाने के बाद चौगुण लय में ही टोटल प्रस्तार बजता है। तो ये जो मैं बताया आज कि थोड़ा सा इस उंगली को कर्व रखें ताकि साउंड आप अच्छा से निकाल सकें और थोड़ा हाथ में वेट आवे शुरुआत के दिनों में। तेटे जो तरीका मैं बताया हूँ बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं, तो तेटे थोड़ा हाथ उठा के मारे तबला पे, यहीं रख के ऐसे ऐसे मारने से अभी काम नहीं चलने वाला है, वो फिर आने वाले दिनों में बहुत सारा ऐसा कायदा है तो दो उंगली वाला भी कायदा है, लेकिन अभी नहीं, अभी उंगली में उतना जान नहीं आएगा। सही तरीका से हाथ पड़ने लगे, अस्थाई दोगुण चौगुण बच जाए तो चौगुण लय में प्रस्तार बजाना है, हाथ को और फ्री करने के लिए उसको पलटा भी कहते हैं। और एक चीज़ और आपके वीडियो में है तिन्ना, तिन्ना ओपन मारे शुरू के दिनों में, आप यहीं से मार रहे हैं हल्का हाथ तिन्ना और धिन्ना, ये हाथ पूरा उठता है तिन्ना, ये ध्यान। चलिए प्रस्तार में दो प्रस्तार आपको बता देता हूँ, बहुत सारा प्रस्तार है दिया हुआ ऑलरेडी, लेकिन ये दो थोड़ा हटके है तो इसको आप देख लीजिए। पहला प्रस्तार तो इसको जरूर बजाइएगा जो मैं बता रहा हूँ, बोल है धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा तिन्ना ताता तेटे ताता तेटे धाधा धिन्ना, पूरे को दो बार बजाइएगा चौगुन लय में, जो चौगुन का स्पीड होगा उसी का धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा तिन्ना ताता तेटे ताता। और जब भी बजाएं तो ये ध्यान रखें ये उंगली सटके रहना चाहिए, ये कोशिश करें ताता तेटे ताता क्या बोलता है धाधा तेटे धाधा तिन्ना फिर ताता तेटे धाधा तेटे धाधा तिन्ना, ये एक और बजाइए धाधा तेटे धाधा तेटे 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 धाधा तेटे धाधा तिन्ना ताता तेटे 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 धाधा तेटे धाधा तिन्ना, ये दो प्रस्तार है। एक प्रस्तार और सीख लीजिए और उसको बजाइएगा, उसका प्रस्तार है धाधा धाधा तेटे तेटे धाधा धाधा तिन्ना तिन्ना ताता ताता तेटे तेटे धाधा तिन्ना तिन्ना धाधा धाधा तेटे तेटे धाधा धाधा तिन्ना तिन्ना ताता ताता तेटे तेटे धाधा धाधा तिन्ना तिन्ना। और इस हिसाब से तीन प्रस्तार हो गया आपका, हर एक प्रस्तार को दो दो बार बजाना है। और प्रस्तार अगर आपको चाहिए तो ये प्रस्तार भी ले लीजिए, जैसे है एक जगह पॉज छोड़ने का धाधा तेटे धाधा तेटे धाधा तिन्ना, एक जगह बीच में पॉज छोड़ना है धाधा तेटे धाटे धाधा तेटे धाधा तिन्ना ताता तेटे धाटे धाधा तेटे धाधा तिन्ना, उंगली सही तरीका से पढ़ना चाहिए प्रस्तार जितना बजाएं। चार प्रस्तार हो गया, एक प्रस्तार और ले लीजिए, इस कायदा का आपका एक पैकेज तैयार हो जाएगा।
पौष वाला ही ये कायदा भी है। इसमें क्या करना है, धा धा ते टे धा ते टे धा धा ते टे धा धा तिन्ना धा धा ते टे धा ते टे हर एक प्रस्ताव। फिर से एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, अस्थाई में एक बार, दोगुन में दो बार, चौगुन में चार बार, और जो स्पीड आप चौगुन में बजा रहे हैं उसी स्पीड में पूरे इस प्रस्ताव को, पांच प्रस्ताव मैंने बताया है, पूरे पांच प्रस्ताव को दो दो बार बजाना है। लास्ट में तिहाई करिए, तिहाई करने के लिए पूरे बोल को तीन बार बजाने के बाद आप तिहाई कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए एक बार, आसानी से समझ जाइएगा। धाधा तिटे धाधा तिन्ना ताता तिटे धाधा तिन्ना, एक बार हुआ, बजाते रहिएगा। फिर दूसरा बार धाधा तिटे धाधा तिन्ना ताता तिटे धाधा, दो बार हुआ धाधा तिटे धाधा तिन्ना ताता तिटे धाधा तिन्ना, तीन बार हो गया। अब तिहाई करना है धाधा तिटे धा धाधा तिटे धा धाधा तिटे धा, तीन बार धाधा तिटे धा धाधा तिटे धा धाधा तिटे धा। इतना अगर आप शुरुआत में हाथ से तैयार कर लेते हैं तो गारंटी मानिए आपका तबला सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाला है। करिए, कमेंट जरूर करिएगा, सभी लोगों के लिए मैंने बना दिया और सभी लोग इससे लाभान्वित हो, सभी लोग कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे थोड़ा सा। थैंक यू।